प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता, और आपके विचार, आपके सुझाव इस कार्यक्रम में हम तक पहुंचते रहें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7000-969-440। इस कार्यक्रम में हम सनातन परंपरा, दर्शन, मनोविज्ञान और हमारे विद्वान वक्ता अक्सर एक बड़ी सरल और सारगर्भित टिप्पणी करते हैं कि ये धर्म का कार्यक्रम नहीं है, ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है और धर्म से अलग कुछ है नहीं। जो धर्म से अलग हुआ, धार्येति धर्म, तो इसमें मैं आपको उलझा नहीं रहा हूँ कि ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ये उस द्वैत और अद्वैत की तलाश में चलने वाली एक चिरंतन यात्रा है जो हमारी परंपरा में चलती रही। उसका द्वैत मार्ग भी है, या जिसको सरल शब्दों में कहें तो प्रत्यक्ष मार्ग भी है, अप्रत्यक्ष मार्ग भी है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, मैंने जब उस विषय को सुना तो मैं भी अचंभित रह गया। क्या मृत्यु का भी बुलावा आता है? क्या मृत्यु आने के पहले दरवाज़ा खटखटा कर ये कहती है कि मैं आने वाली हूँ? अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है, कहा तो ये भी जाता है कि बड़े बड़े धर्मगुरु, और एक ऐसे ही धर्मगुरु की आत्मकथा के बारे में मैं पढ़ रहा था कि वो जब एक असाध्य रोग से पीड़ित हुए तो टहलते हुए अक्सर बड़बड़ाते थे कि थोड़ा समय प्रभु मुझे और मिल जाता इस शरीर को, इसमें मेरी आत्मा है, तो मैं कुछ और कार्य कर लेता। लेकिन उनको भी पता था कि अब ये शरीर एक असाध्य रोग से पीड़ित है, तो मृत्यु ने दरवाज़ा तो खटखटा ही दिया था। लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत बनी रहती है कि हमें पता नहीं चला, खासतौर से जो चला जाता है वो क्या शिकायत करेगा, लेकिन उनके परिवारजन कहते हैं कि अक्सर बाबूजी ये कहते थे, या अक्सर जो भी, ईश्वर ना करे कोई इस अप्रिय स्थिति से गुजरे, लेकिन वो कहते हैं कि उनके तो बड़े सपने थे, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है। तो क्या मृत्यु की आहट जब होती है तब भी हम आँख मूंद लेते हैं? क्या कई बार ये शरीर कह देता है कि अब हम जाने वाले हैं तब भी हम नहीं समझते? या कई बार हम इस शरीर से, क्योंकि शरीर की सीमा है, आप इतना काम ले लेते हैं उससे कि आपको भी मालूम है कि इसके दुष्परिणाम होंगे, लेकिन आप उस ध्वनि को नहीं सुनना चाहते। और कई लोग जो विज्ञ लोग हैं वो तो कहते हैं कि मृत्यु के आसन्न छाया मंडराती है, किसी भी रूप में है लेकिन वो मंडरा जाती है, ये बता जाती है कि मैं आने वाली हूँ। अब इसके क्या स्वरूप हैं? अगर आप थोड़ा टटोलें, पीछे जाएं, तो कई बार बहुत विलक्षण प्रतिभाशाली लोग हो जाते हैं। कहा जाता है कि इनकी आवश्यकता धरती से अधिक ऊपर है। कोई बहुत चंचल, बहुत सुंदर, ईश्वर ना करे, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बड़ा कहते हुए भी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन कोई बहुत कम अल्पायु का बालक, बालिका, युवा, हम देखते हैं कि बचपन से लोग कहते हैं असाधारण रहा, अरे असाधारण था, उसकी चर्चा होती, क्या बोलता था, क्या था। तो ये सब क्या कुछ ऐसे संयोग हैं जिनको दुर्योग कहें या संयोग कहें, सुयोग तो कहना बड़ा कठिन है, विज्ञ व्यक्ति ही कह पाएंगे, लेकिन मृत्यु की दस्तक है क्या? और ये तो बात हो गई मृत्यु के उस स्वरूप की जो इस शरीर का अंत करके आत्मा को या तो फिर 84 लाख के फेर में ले जाती है या मुक्ति की तरफ ले जाती है। लेकिन एक मृत्यु वो होती है जो मृत्यु से ही, मृत्यु के तुल्य ही होती है लेकिन जीवन बदल देती है। कोई ऐसी घटना हुई कि वो मरने से भी अधिक कष्टकारी रही या मृत्यु तुल्य ही रही लेकिन जीवन बदल गया। इसीलिए कई लोग जो मृत्यु जैसे अनुभव से गुजर जाते हैं, उन कहते हैं उनका जीवन बदल गया। एक ऐसे ही अपने सहयोगी को मैं जानता हूँ, एक सड़क दुर्घटना में वो बचकर निकल आए और उसके बाद वो जीवन के हर क्षण का आनंद लेने वाले व्यक्ति में बदल गए। तो मृत्यु के दोनों अनुभवों पर मैं आज अपने विद्वान वक्ता से अपेक्षा रखूंगा। बहुत गूढ़ विषय है, बड़ा ऐसा विषय है जिस पर हम बात करने से हिचकते हैं, हम ठिठकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय, यही वो विषय है जिसकी आंख में आंख डालकर उसके सत्य तक पहुंचने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी। आज आपको सुनकर मुझे कृताश्री की दो तीन बातें याद आ गईं।
और मुझे लगता है आज उसमें गोते लगाने से बहुत आनंद हो जाएगा जी। सबसे पहले तो पिताजी का एक प्रसिद्ध वाक्य मैं कहूँ, जो वो अक्सर कहते थे, जब वो 100 की सीढ़ियाँ पार हो गए और 104-105 बरस के हो गए, तब वो बार बार ऊपर की ओर देखकर कहते थे कि उखो लगत नहीं अब बैठी होते मुस्कात की अब बुला लें। मतलब सहज बुंदेलखंडी में अपना संवाद करते थे, लेकिन वो कहते थे ऊपर बैठी भवानी को ये नहीं लगता कि बुला लें। एक उनका प्रसिद्ध हर बार वो बोलते थे। दूसरी वो ये बात बड़े आत्मीयता के साथ लोगों को उपहास में कहते थे कि सुनो मैं बिना बुलाए तो यमराज के यहाँ भी नहीं जाऊँगा। कहते थे मैं बिना बुलाए तो यमराज के यहाँ भी नहीं जाऊँगा, तो फिर तुम्हारे यहाँ की तो बात अलग है, वो बोलते थे। वो उस सिलसिले में उस उद्देश्य अपनी बात कहते थे। उनसे अनेकों ने एक बार मेरा चिंतन हुआ और उन्होंने मुझे बताया कि काल कैसे हमें चिट्ठी भेजता है, कैसे हमें पाती भेजता है, कैसे हमें फोन करता है, कैसे हमें समय पर सूचना देता है। सबसे पहले काल को समझ लें। काल का दो अर्थ हो गया, एक समय एक मृत्यु। समय एक मृत्यु, वो बहुत सुंदर परिभाषित करते थे मृत्यु को। पिताश्री कहते थे कि काला अवधि व्यतीत हो जाने को मृत्यु कहते हैं। काला अवधि, समयावधि जब बीत जाती है तो उस बीत जाने को मृत्यु कहते हैं। जो निर्दिष्ट समय आपके पास बना हुआ है, जैसे ही वो समय खत्म हो जाता है तो उस समय की वहां मृत्यु हो जाती है, उस अवधि की वहां मृत्यु हो जाती है। वो कहते थे तुम लोग, भैया हम तो पिक्चर देखने गए नहीं, तुम लोग फिल्म देखने जाते हो, 3 घंटे की फिल्म देखते हो और फिल्म खत्म हो गई है तुम्हें कैसे मालूम चलता है? उसमें लिखा हुआ आ जाता है द एंड, उसमें लिखा हुआ आ जाता है द एंड। इसका मतलब यह है कि वो समयावधि बीत गई, उस मनोरंजन की मृत्यु हो गई, वहां पर जितना देख रहे थे वो समाप्त हो गया। तो काला अवधि का व्यतीत हो जाना मृत्यु है। अब मृत्यु सबसे पहले आप समझ लें, हमारे अध्यात्म और पुराण में प्रत्येक क्षण मृत्यु के नित्य का वर्णन है। मृत्यु आपके संदर्भ में हर बात परिभाषित करते हुए कहती है। सबसे पहले मृत्यु अर्थात मृत्यु के देवता, आप ध्यान रख लें, अत्यंत संवेदनशील है। उनका नाम धर्मराज है। मृत्यु कभी भी भयावह नहीं है, मृत्यु बहुत मिठास के साथ आती है। मृत्यु माध्यम है आपको ले चलने का, शरीर से बाहर आत्मा को लेने आ रही है। आत्मा राम है, आत्मा राजा है, आत्मा जीव है, आत्मा ईश्वर का अंश है, तो वो परमात्मा के अंश को लेने आएगी तो असमान ढंग से नहीं आती। इसलिए मृत्यु जो है बहुत मधुरम होती है, बड़ी मधुरता से आती है। या बड़ी गहरी और आप ध्यान रखिए, बहुत मधुरम, बड़े सम्मान से आपको लेने आती है। आप चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, आपको जब भी मृत्यु लेने आती है तो बड़े सम्मान से लेने आती है। इसलिए आपने वो प्रचलन देखा होगा कि जीवित रहते भले ही वो आपको प्रणाम करने वाला हो, लेकिन जब वो पंच तत्व में जब तक वो देह नहीं मिल जाता, हम मिलने जाते हैं तो पुष्प चढ़ा के हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों? वो पूजनीय है, उसमें उनका वास था जो अब चला गया। तो मृत्यु बड़े सम्मान से आपको लेने आती है। दुनिया में सब आपका अपमान कर दे, मृत्यु नहीं करता। राई घटे न तिल बढ़े, जो जस लिखी ललार, यत विदना लिखते ललाट पट्टम, वो बिल्कुल आपको सम्मान के साथ लेने आती है। अब ये अलग है कि वो कभी रुपहले लोगों को आपके पास भेज देती है और कभी थोड़े डरावने लोगों को आपके पास भेज देती है। एक की मृत्यु में, एक की मृत्यु क्षण का सुंदरतम वर्णन है, जिसमें दोनों प्रकार के लोग उसको लेने आ गए। ध्यान रखिए, उसके कर्म के आधार पर कुरूप लोग लेने आ गए और उसके धर्म और चिंतन के आधार पर उसको सारूप पे लोग लेने आ गए। वो मृत्यु अजामिल की थी। अजामिल जब 88 वर्ष के हुए और शरीर छोड़ने लगे, ध्यान रखिए सबसे पहले मृत्यु जो है आपका संबंध और संपर्क इह लोक से समाप्त करती है, इसके लिए वाणी बंद कर देती है। बोलते हुए भी जो लोग जाते हैं, वो जब मृत्यु के आगोश में पहुंचते हैं तब उनकी वाणी खत्म हो चुकी होती है। पहले वो वाणी रोकती है ताकि आप बता ना सकें, भीतर की बात है, सारी पट्टियां खुल गई है। मृत्यु तो रोज दरवाजा खटखटाना, आप कह रहे हैं, वो शंख भेरी बजाती है, लेकिन कानों में विषय की कर्ण पिशाचिनी ने कब्जा कर रखा है, आप सुनते नहीं। आंखों में जिससे आप देख सकते हैं, मृत्यु के संदेश को पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आंखों में मोह की पट्टी आपने बांध दी है। तो इस कारण ना आप उसे सुनना चाहते ना आप उसे देखना चाहते, जबकि वो दोनों दर्शन आपको कराती है।
जिस पर मैं आपसे अभी चर्चा करूंगा। आप देखिए, अजामिल जो है कुकर्म में लगा हुआ है, दुष्ट है, तो उसको लेने के लिए कुरूपवान लोग आते हैं। कुरूपवान का वर्णन किया है, बाल खड़े हैं, दांत बाहर है, हाथ में जो है वो पास लेके रखा हुआ है, वो आए हैं लेने के लिए। उसको लेने सम्मान से ही आए हैं, निकालना है अब आपको बाहर वहाँ से, तो लेने आए हैं वो। उसी समय अजामिल जो है अपने पुत्र नारायण को पुकारता है आर्त भाव से, तो देखता है अब तो चतुर्भुजधारी लोग भी आ गए हैं, शंख चक्र पद्म धारण किए हुए चले आ रहे हैं, और वो उन्हें रोकते हैं, नहीं इन्हें मत ले जाओ, अभी इन्हें जीने का अधिकार है। तो अजामिल वो पात्र है जो मृत्यु के हाथ जाते हुए बचकर लौट आया, जैसा आप कह रहे थे। उसके बाद उसने अपना संपूर्ण जीवन हरिद्वार के मंदिर में व्यतीत किया, कानकुब्ज नगर छोड़ करके हरिद्वार के मंदिर में रहा और परमात्मा में लीन हो गया। तब उसे फिर वही चतुर्भुजधारी लेने आए अपने साथ। तो यहाँ इसका वर्णन है स्वरूप और कुरूप का। अब हम आते हैं मृत्यु चिट्ठी कैसे भेजती है, हमारे यहाँ वर्णन है। अब देखो, मृत्यु को आप देखिए, उसकी चिट्ठी को सबसे पहले देखिए। देखने का अर्थ होता है जैसे ही देख लें वैसे दायित्व से विरक्त होते चले जाइए, भारी आ गई है। दशरथ जी ने देखा कान के बाल सफ़ेद हो गए, आई तो है ना चिट्ठी, आ गई आपके पास में। आपके शरीरों का क्षरण, जो क्षरता है वही शरीर है, तो जैसे ही क्षरण प्रारंभ होता है कान के केश सफ़ेद हो जाएं, आप समझ लीजिए अब आपकी मृत्यु जो है, अब आप अधेड़ हो चुके हैं। अब जो भी कालावधि था मध्यांतर हो गया है आपके जीवन में, अन्य बातों के समान रहने पर तैयारी कर लेना चाहिए। उनने तो तैयारी कर ली, राम को राज्य देने के बारे में घोषणा कर दी उनने, आप तो डाई करके रख लेते हैं ना, आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। आप देखिए फिर मृत्यु क्या करती है, आपके दंत पंक्तियों को विक्षिप्त करना शुरू करती है। तो जैसे ही आपके दांत टूटने लगे आप समझ लीजिए अब आप तीन चौथाई स्थिति को पार कर चुके हैं। मृत्यु कितने पहले खबर दे रही, शरीर में वर्णित है इस तथ्य को, हमारे यहाँ वेद पुराण में वर्णित है। तब आप क्या करते हैं, नई दंत पंक्तियां लगाकर मुस्कुराकर घूमते हैं, तो इसमें मृत्यु क्या करे। आचार्य शंकर कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति जतपि दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम। तो बता रहे हैं ना, तीन चौथाई पर आप पहुंच गए हैं, तो आपने नई दंत पंक्तियां लगा ली, आप भूल गए कि खबर आ गई, आप अपनी तैयारी नहीं करते ना, आपकी तैयारी नहीं है। मृत्यु ने तो चिट्ठी भेजना शुरू कर दिया। अब देखिए मृत्यु की चिट्ठी के साथ अब दूरभाषिक संकेत आपको प्राप्त होने लगते हैं। दूरभाषिक संकेत पाती के अतिरिक्त कैसे प्राप्त होते हैं, अविलंब के लिए आपको तैयार रहने के लिए संकेत भेज रहे हैं। यदि आपके स्वप्न में, हमारे यहाँ वर्णित है, यदि आपके स्वप्न में आपको दिखे कि आप किसी कुम्हार की मिट्टी के दलदल में फंसे हुए हैं और धसते चले जा रहे हैं, स्वप्न संकेत ये प्राप्त हो, तो मतलब आप 10-11 महीने में जाने वाले हैं। अब आपकी अवधि 10-11 महीने रह गई है, आप ये समझ लीजिए, प्रमाणित बात आपसे कह रहा हूँ। ये सत्य संकेत का वर्णन है यहाँ पर, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं। आप ध्यान रखिए, कान हैं, बहुत सारे लोग इस समय तरह तरह के वार्तालाप में लगे रहते हैं, वो कहते हैं वो देखो अंतरिक्ष से ओम की ध्वनि आ रही है, और हम मौन पर भी चिंतन कर चुके हैं, कुछ लोग प्रमाण चाहते हैं। मैं आपको बताऊं एक सुंदर प्रमाण, आप दोनों उंगलियों को कान में बंद कर लीजिए, अच्छे से दबा लीजिए, थोड़ी देर बाद आपको अंतर की ध्वनि सुनाई पड़ने लगेगी, आपका हार्ट बीट सुनाई पड़ने लगेगा, आपको सांसों का स्पंदन सुनाई लगेगा, गुन की एक आवाज़ आने लगेगी, और अगर आप एकाग्र भाव से सुनेंगे तो उस गुन में नाद सुनाई पड़ने लगेगा, वो भी ओम है। यदि ये सुनाई देना बंद कर दे तो समझ लीजिए एक सप्ताह में आप जाने वाले हैं। लाक्षणिक व्याख्या मृत्यु की आप समझते चलिए, ये परम सत्य है। यदि आपको अंतर ध्वनि सुनाई पड़नी बंद हो जाए बिल्कुल भी, तो आप समझ लीजिए आप एक सप्ताह में, मृत्यु आपको बुलावा भेजने वाला है, मृत्यु आपकी व्यवस्था का चिंतन में है। आप यदि किसी व्यक्ति के सहज रसायन को शुष्क देखें, सहज रसायन को शुष्क देखें, एक व्यक्ति के चेहरे में प्रकृति प्रदत्त कांति और रोज होती है, जिसमें रोग के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल प्रक्रियाओं को छोड़ करके सहज अवस्था में यदि उसके तेज का क्षरण होने लगे और वो शुष्क होता चला जाए, तो समझ लीजिए 90 दिन में उसकी यात्रा होने वाली है।
मैं आपको अध्यात्म विविध वर्णित बात ही बता रहा हूँ, 90 दिन में उसकी व्यवस्था होने वाली है। जैसे ही उसकी ये सुस्तता आ जाए, उसकी नाक थोड़ी टेढ़ी प्रतीत होने लगे, खासकर ये प्रयोग आप किसी चिकित्सालय में अंतिम समय से जूझ रहे व्यक्तियों के संदर्भ में कर सकते हैं। यदि उसके नाक में कुछ टेढ़ापन की अनुभूति होने लगे, देखिए आपके शरीरों के माध्यम से ही तो आपको समाचार और खबर देंगे ना, आपको कहेंगे ना, तो आप समझ लीजिए ये जैसा डॉक्टर कहते हैं ना 72 घंटा है, ये वही घंटों में मृत्यु निश्चित करती है कि आप कितनी देर वो हैं, आपके जीवन जो है इस समय संकट की स्थिति में बना हुआ है। तो ये तमाम प्रतिकूलताओं के साथ, स्वप्न संकेतों के साथ, शारीरिक अवयवों के क्षरण के साथ प्रत्येक बार मृत्यु आपको खबर करती है, जागृत करती है। ऋषि मुनि क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ कई बार वर्णन आता है। आप देखिए, आपने शबरी का नाम कितने आदर से सुना है। शबरी के गुरु जो है दरभंग ऋषि, उनको अपनी मृत्यु का आभास हो गया कि मेरी मृत्यु आने वाली है, तो मृत्यु का कैसा स्वागत करते हैं उनको मालूम था। उन्होंने ध्यान धारणा में लगाया, शबरी को बुलाया, बोले सुनो ये शरीर नहीं रह पाएगा, इस शरीर को जाना होगा, लेकिन परमात्मा राम आएंगे, तुझे उनके दर्शन मिलेंगे, और सुन यहाँ तब तक मैं विद्यमान रहूँगा जब तक परमात्मा आएंगे। मैं अपना शरीर उत्सर्ग कर रहा हूँ, और एक स्थान पर बैठकर योगाग्नि से अपना शरीर छोड़ देते हैं। मृत्यु का बड़ा सुंदर उल्लेख है। परमात्मा राम जब संसार चक्र में अपने सारे चरित्र पूरा कर चुके, देवत्व का सारी प्रक्रियाएं निर्वहन कर चुके, तब एक दिन उनके यहाँ मृत्यु का आगमन हुआ। धर्मराज आए, काल के देवता आए उनके यहाँ प्रणाम करने कि परमात्मा काला अवधि पूर्ण हो गई है, आपने जितना समय आपने सुनिश्चित किया था इस पृथ्वी पर अपनी लीला और चरित्र करने के लिए, उसका काल पूर्ण हो चुका है। ये वही घटना है जब लक्ष्मण को उनने मना कर दिया था कि भीतर प्रवेश नहीं करना। ऐसे ही यदुकुल के नाश के पूर्व कृष्ण से मिलने मृत्यु आए, उन्होंने कहा परमात्मा ये मेरे साथ आया हुआ है कली, इसका शासन, इसका काल प्रारंभ हो गया है, इसको अपनी प्रभुसत्ता यहाँ स्थापित करनी, आपकी लीला का समय पूर्ण हुआ। तो ये प्रत्येक समय आपके घर अनेकों अनेक प्रयत्नों से आते हैं। जब आप कुसंग में पड़ने लगते हैं तब मृत्यु सन्निकट होती है। जब भी आप, क्योंकि आपका अंतर्मन चिल्ला चिल्ला कर कहता है, और आप देखिए बहुतेरे लोग बहुत अल्प समय में या किसी घटना घटना में इसलिए मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं कि वो कुसंग में पड़ जाते हैं। अब कुसंग का अर्थ ये नहीं होता उन्माद का चरम हो जाना, मद में मस्त हो जाना। मृत्यु का आपके शरीर की इस अवधि से कोई लेना देना नहीं है कि आप 100 साल जिए कि 25 साल जिए कि 5 साल जिए कि 75 साल जिए। मृत्यु के लिए इसका कोई मानिंदगी नहीं है, मृत्यु अपनी अनुभूति देता है। कई प्रसिद्ध लोगों को देखिए मृत्यु का भासी होता है कि वो मिलकर जाने लगते हैं और आपसे कहते हैं देखो यार यदि मुझे जीवन मिला तो मैं फिर मिलूंगा, कल फिर मुलाकात होगी, और रात में वो विश्राम को प्राप्त कर जाते हैं। मृत्यु वाणी के माध्यम से भी आती है। कई प्रसिद्ध ऐसे व्यक्तित्व हो गए हैं जिन्होंने अपने मृत्यु के पूर्व ऐसी वाणी का प्रयोग किया है जिसमें वो अपनी मृत्यु को परिभाषित कर रहे थे, संकेत दे रहे थे कि मैं जाना चाहता हूँ। ध्यान रखिए हमारे यहाँ ये कथा वर्णित है। कौन सी कथा वर्णित है कि भाई सबसे पहले काल जो है वो पैर को पकड़ता है। तो आप देखिए ये सूचना है, जैसी ही हम जरावस्था की ओर बढ़ते हैं हमारे घुटने और हमारे पैर चलने कमजोर होने लगते हैं। इसका अर्थ होता है चिट्ठी आई है, जाना जरूर होगा करना जो चाहे कर ले, मरना जरूर होगा करना जो चाहे कर ले। तो मरता तो शरीर है ना, तब मृत्यु जो है आनंद से उस दिव्य आत्मा को लेने आती है और उसे यथा स्थान विराजमान करके ले जाती है। तब आप काल की अवधि से मुक्त हो जाते हैं और तब आप कहते हैं इसमें जो जागृत रहता है, जो सावधान है, जो जीवन के अर्थों को समझता है, वो प्रत्येक पल को, ध्यान रखिएगा पल को भी अंतिम मानिए, प्रत्येक पल की भी मृत्यु हो रही है। तो यदि आप शुद्धिशील हैं तो हर क्षण का विभाजन करिए। एक क्षण आया तो वो काल आया ना, उसके व्यतीत हो जाने पर क्षण की मृत्यु हो गई ना, तो आप तो प्रत्येक क्षण का समुचित कैसा उपयोग कर रहे हैं ये है उसकी पाती का आदर करना। मृत्यु की जो बात डॉक्टर गोस्वामी जी ने कही वो अद्भुत है। कई जगह मैं उसके तल को मैं छू पाया,
छू इसलिए पाया कि मृत्यु को देखा तो है, मृत्यु को इसलिए देखा है कि चाहे परिवार हो, प्रियजन हो, समाज हो, पड़ोसी हो, ऐसे न जाने कितने लोगों को देखा है जो इसी तरह की बात कर रहे थे कि अब मिलना हो या ना हो, अब पता नहीं मुलाकात हो ना हो, लग जा गले, इतना सुंदर गीत है वो। यानी कहीं कुछ आपको एक चिट्ठी तो आई है, और वो चिट्ठी ये कह रही है कि क्योंकि आप अपने शरीर को बहुत अच्छे से समझते हैं, और ये भी बहुत सुंदर बात कही कि कई बार मृत्यु, एक की मृत्यु दूसरे की मृत्यु कुसंगति भी है। तेज़ रफ्तार गाड़ी में एक साहब चले जा रहे हैं, अचानक उनका मन करता है कि दो और मित्रों को ले लेता हूँ। पता चला कि जो भाई साहब, माफ़ कीजिएगा, ड्राइव कर रहे थे वो तो गंभीर रूप से ज़ख्मी होकर छूट गए, जिनको अचानक घर से भोजन करते करते बुला लिया गया, वो दो लोग काल के ग्रास बन गए। जी गुस्सा, देखिए मैं आपको बताऊं, एक शब्द का उपयोग हम और करते हैं जो व्यवहारिक रूप से कलिकाल में उसकी मर्यादा ज़्यादा दिखाई पड़ती है, वो है अकाल मृत्यु। अकाल, हम ये बोलचाल और हमारी अनुभूति में परम सत्य शब्द है, लेकिन ध्यान रखिए, काल आता है, हमारे अनुसार नहीं आया तो अकाल हो गया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें हमें ईश्वर का न्याय प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ता। कहीं हम ये भी देखते हैं कि ये कुछ उम्र थी जाने की, ये तो अन्याय है परमात्मा का, लेकिन परमात्मा ने नहीं, काल चक्र ने प्रत्येक समयावधि और प्रत्येक प्रक्रियाएं सुनिश्चित की है। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसी घटना काल की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। किसी की बुद्धि में, किसी के कर्म में, किसी के चित्त में, किसी के आस्था में, किसी के रोग में ये सारी प्रक्रियाएं अनवरत बनी रहती है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम मृत्यु के विशेषज्ञ हो गए। इन बताने का अर्थ, जैसे त्रिष्ठा बता रही है कि मैंने सपना देखा है, मुंडित सर खंडित दस भीषा वो देखा है, गधा में बैठ के दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। लोग कहते हैं किसी के सर में आकर कौवा बैठ जाए तो समझ लीजिए उसकी मृत्यु जो है दस मास में होनी है। ये तमाम परंपराओं और अनुभवों के आधार पर निकली है। इसका गणित आप इस आधार पर बिल्कुल मत जमाइए। उस विधाता ने जिसके लिए जितना समय लिखा है, आप तो भय त्याग कर जीवन जिए ना। मृत्यु जिसके चित्त में रहे हमेशा, वो फिर भय से मुक्त हो जाता है। आप तो ये सोचकर निकलिए ना कि आ जा, कल आना हो, कल आ जाना हो, आ जा, शरीर को आना है, मेरे को थोड़ी आना है। तो जो भयाक्रांत रहता है, हमारी इतने विश्लेषण का कदाचित बिल्कुल ये अर्थ नहीं है कि तुम और भयाक्रांत हो जाओ। हमारे इस विश्लेषण का तो देखो, भय छोड़ करके परीक्षित बैठे जब गंगा के तट पर, तो उनके चित्त में भय नहीं है। इसका अर्थ ये है, आप अपने दायित्व से निवृत्ति हत, यानी प्रत्येक क्षण लेते चलो। दायित्ववान जितना अधिक रहोगे, उतना लगेगा अरे ये काम करना था, वो काम करना था। तभी तो हमारे यहाँ बना है, काल करे सो आजकल, पल में पल रहे जिसको बोलते हैं वही मृत्यु है। तो हम तो उसको आँख दिखा कर चले ना, अरे आना बावली, जिस दिन आना होगा उस दिन आना। मैंने पिताश्री कहते थे, मृत्यु वो प्रेयसी है, मृत्यु वो प्रेयसी है जो अपना आलिंगन लिए घूम रही है, लेकिन जो दौड़कर उससे कहता है कि आ मेरे गले लग जा, उसको वो प्रणाम करके दूर रहती है, क्योंकि फिर वो पुरुषार्थी और कर्मवान होता है। मृत्यु भय नहीं है, मृत्यु आनंद है। तो इसलिए आप मृत्यु को उस आनंद के रूप में, अरे भाई शरीर है, चरित होगा, जाएगा अपनी प्रक्रियाओं में। तो दूसरी बात, आपने कई बार कहा, मैं आज और ये सुस्पष्ट कर दूँ, हमारा चिंतन आध्यात्मिक चिंतन है, आध्यात्मिक विमर्श है। हम यहाँ मंथन करते हैं, जो मोती जिसको अच्छा लगे ले ले, जो कुछ अच्छा आपको लगे वो परमात्मा की कृपा है, और यदि कहीं आपको कुछ बुरा लगे तो समझ लेना वक्ता में खोट था। तो वक्ता चिंतन करते करते जो है अपने उस खोट के लिए हमेशा क्षम्यवान बना रहे, क्योंकि किसी ने कहा है, नरस्य भूषणम रूपम, रूपस्य भूषणम गुणम, गुणस्य भूषणम ज्ञानम, और ज्ञानस्य भूषणम क्षमम। आपके अंतर्चित्त में प्रत्येक घर में शांति हो, प्रत्येक के जीवन में आनंद रहे, प्रत्येक व्यक्ति तनाव मुक्त रहे, और व्यक्ति होने के साथ व्यक्तित्व का निर्माण हो, चिंता दूर हो, चिंतन की धारा में बहे, यही हमारा उद्देश्य है। देखिए कितनी बड़प्पन की, किस तरह की एक पराकाष्ठा मिलती है कि आपको अच्छा न लगे तो आप क्षमा कर दीजिए, त्रुटि मान लीजिए। अब इससे, इसके बाद कहने के लिए क्या शेष रहता है, तो इसको इसी रूप में ग्रहण करिए और इसी मंथन के अमृत को ग्रहण करिए। बाकी आपको जो जैसा लगे, आप स्वतंत्र हैं, आप अपना स्वयं की एक विभूति हैं, लेकिन ये अद्भुत आज कई बातें मैंने अपने जीवन में इस तरह की चर्चा
पहली बार मैं उसका सहभागी बना हूँ, चर्चा में सहभागी क्या श्रोता बना हूँ, चर्चा तो सिर्फ सुनी है मैंने लेकिन अद्भुत रही है। और इसके बहुत सारे बिंदु हैं जिन्होंने मेरे मन को बहुत गहराई से झकझोरा है और संभवतः आप भी कुछ उसी अनुभूति से गुजरे होंगे। अगले एपिसोड में एक और नया विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, बहुत धन्यवाद गोस्वामी। प्रणाम, नमस्कार।